हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर को। जी नमस्कार, सुनीता शर्मा प्लांट लवर का। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण होने वाली है इस प्लांट की। जी इस पौधे की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देने जानकारी क्या देंगे दोस्तों, आपस में बस एक नेचर की शेयरिंग करने जा रहे हैं और उसके फायदे को जानने जा रहे हैं। जी दोस्तों, पौधे को देखते ही आप पहचान गए होंगे। हो सकता है कितने ही लोगों ने लगा रखा हो इसे घर में भी। कितना सुवासित, कितना महकता हुआ पौधा है और साथ ही आयुर्वेदिक गुणों को समेटे हुए। दोस्तों यह है चंपा का पौधा जो पूरे भारत के अंदर पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा पौधा है, लेकिन मधुमक्खी और भंवरे इसके पास भी नहीं आते। ये कहावत भी है, चंपा तुझमें कई गुण पर अवगुण बस एक यही, भंवर न आए तेरे पास, कुछ इस तरह का। जी दोस्तों चलिए, हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खियाँ और भंवरे इसके पास भी नहीं आते, और यदि आपके क्षेत्र में हो जाते हैं खटमल तो खटमल भी इससे दूर भागते हैं। बस इसके कुछ एक पत्ते चारपाई के नीचे बिछा दीजिए, यानी आपके मैट्रेस के नीचे बिछा दीजिए कि बस खटमल भी चले जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें हम सब करते चलेंगे। दोस्तों चलिए अब इसके आयुर्वेद के गुणों के बारे में जान लेते हैं। यह कड़वा और गर्म होता है, कड़वा होता है और थोड़ा गर्म होता है, इसलिए वात और कफ दोनों को ही खत्म करता है। और एक बड़ी बात, भाई शरीर में आजकल सबके दर्द रहता है कभी कहीं कभी कहीं, तो शरीर में कहीं भी दर्द हो तो फल फूल तने का रस निकाल करके और उसको नारियल के तेल में मिला करके मालिश कर लो, दर्द खत्म हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैं इसी तरह की चीज़ों को काम में लेती हूँ। बहुत ही कम एलोपैथिक दवाई लेती हूँ और इस तरह के ये नुस्खे हमारे बहुत काम कर जाते हैं। और भी एक बहुत बड़ा गुण है इसका कि इसकी खुशबू दिमाग को तरोताज़ा प्रसन्न रखती है। जी हाँ, खुशबू इतनी भीनी भीनी सी, इतनी अच्छी होती है कि इसके आसपास से भी अगर आप गुजर जाएं तो यह मन को ताज़ा कर देती है, प्रसन्न कर देती है। और बड़ी बात कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। जी एकाग्र शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति का पढ़ाई में या किसी भी काम में अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो वह ध्यान लगता है, और साथ ही याददाश्त भी बढ़ाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे मानसिक और शारीरिक कई प्रकार से जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर कई बार ऐसा बुखार हो जाता है कि बुखार ठीक ही नहीं होता, तो ऐसे बुखार के अंदर इसके छाल का काढ़ा बना करके अगर पी लेते हैं, थोड़ी सी छाल लीजिए आप, पक्के तने की छाल लीजिए और इस तरह से उसको उबाल लो, उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो किसी भी तरह का बुखार हो वह ठीक हो जाता है। तो इस तरह से चंपा है ना बहुत ही उपयोगी, जोड़ों के दर्द के लिए, बुखार के लिए, साथ ही साथ हमारे मानसिक संतुलन को सही बनाए रखने के लिए और भी उपयोगी है। दोस्तों शरीर में अगर ऐंठन हो रही हो, जोड़ों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि शरीर में ऐंठन होने लगती है, तो ऐसे के अंदर चंपा के तेल से मालिश करने से ठीक हो जाता है। तो ये सारे गुण थे इसके। और भी चलो कुछ एक बात कर ले। जी हाँ, सभी तरह से उपयोगी है ये चंपा। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती क्या वर्णन करूँ। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा लगता है। वैसे ये पांच तरह का होता है, स्वर्ण चंपा होता है, और एक जो है लाल रंग का चंपा होता है, और कुछ इस तरह का ये चंपा होता है, पांच तरह का माना गया है। लेकिन अपने जो सर्वसाधारण सा चंपा है वह इस तरह का सफ़ेद चंपा है जो हर जगह मिल जाता है, और पूरे भारत में यह चंपा रहता है। सफ़ेद चंपा के ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, रेड चंपा के ऊपर फूल थोड़े से कम लगते हैं। तो ये थी बातें कुछ एक जो मैंने कहा। चलिए, मुझे पता है मेरे दोस्तों को भी शेयर कर लूँ और जो मैं चीज़ें ये काम में लेती हूँ। जी बच्चों के या बड़ों के कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है या पेट में कीड़े हो जाते हैं, तब भी चंपा के पत्तों का जूस पीने से ठीक हो जाता है। हाँ, किसी भी तरह का कब्ज़ जो काफ़ी दिन हो जाते हैं
कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऐसे के अंदर जो है चंपा के, यानी चंपा के पत्तों का आप जूस पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह की चीज़ों को हो सकता है कि काम में लेने की शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि पता नहीं कैसा होगा। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। हम काम में लेते हैं इसलिए हमें मालूम है कि कुछ भी इनके साइड इफेक्ट नहीं हैं। तो जब कई बार हमारा खून अशुद्ध हो जाता है, खून अशुद्ध होने का यही एक लक्षण है कि शरीर पर दाग धब्बे होने लगते हैं, खाज खुजली होने लगती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारी स्किन के अंदर कुछ न कुछ विकार हो जाता है। कुछ मतलब लगता है कि हाँ शरीर के अंदर कुछ अशुद्धि हो रही है, तो उस अशुद्धि को, शरीर के अंदर की अशुद्धि को, यानी रक्त की अशुद्धि को भी ये ठीक करने का काम करता है। क्या कि हाँ आप इसके पत्तों का जूस बना करके पी लीजिए और इससे आपका जो है मतलब ये कहिए कि अंदर का जो सारा भी सिस्टम है, पाचन सिस्टम जो है बिल्कुल एकदम सही रहेगा, पाचन शक्ति आपकी सही रहेगी। तो पाचन शक्ति सही रहने से खून की शुद्धि भी ठीक रहेगी। इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी पौधा है चंपा का पौधा। दोस्तों यह छोटे गमले के अंदर भी लगाया जा सकता है। हाँ छोटे गमले में ये है कि इसमें कम फूल आते हैं और कम ग्रोथ होती है। जब यह बड़ा हो जाए तो आप बड़े गमले के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दें, और उसके बाद में फिर और आप हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर लगा दें जो कि खुली जगह हो। तो दोस्तों इस तरह की कोशिश हमें करनी चाहिए। ऐसे पौधे को कैसे लगाएं, आप किसी भी रोड साइड से बस टहनी ले आइए और अपने घर पर लगा दीजिए। लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उसकी टेबल पर इसके कुछ एक फूल रख दीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, और एकाग्र शक्ति बढ़ने के साथ साथ दोस्तों जो है बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों को आई होगी वीडियो पसंद। जी आप चाहे सड़क के किनारे लगा दीजिए और उसका उपयोग कीजिए। यदि वह भी संभव नहीं है तो इस तरह के पॉट्स के अंदर आप लगा दीजिए। दोस्तों बहुत ही उपयोगी है ये पौधा। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।